रविवार को दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ 37 मरीज कोरोना को मात देकर घर पर रिकवरी होकर लौटे हैं। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि रविवार को भी दिल्ली से कोरोना से मौत का आंकड़ा जीरो रहा है, यानी कि कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। वहीं कुछ मामलों की बात करें तो दिल्ली में ये आंकड़ा 14,38,714 पहुंच गया है, जिसमें से 14,13,258 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं। वहीं दिल्ली में फिलहाल 371 कोरोना के मामले एक्टिव हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना की मौत का आंकड़ा कुल 25,085 है। इधर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 0.05% है। कुल 371 सक्रिय मामले हैं, इनमें से 118 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं सक्रिय कोरोना मरीजों की दर 0.0025% है। वहीं रविवार को लगातार नवा दिन है जब किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। बता दें कि इससे पहले 16 और 17 सितंबर को एक एक मरीज की मौत हुई थी। 18 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक इन 9 दिनों में राजधानी दिल्ली में किसी भी मरीज की कोरोना से जान नहीं गई है, जो एक सुखद खबर है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।